कैपेसिटेंस स्टार्ट कर देंगे। मैंने अच्छा मैसेज डाला और दो लोग कम हो क्या गए। पहले 11 लोग थे, मैंने मैसेज डाला, फिर 9 लोग हो गए। ये क्या हुआ? अच्छा ये क्या चले गए? ये एक क्या तो हो अमन गया? गया और दूसरा उदय उनका नेट पावर कट हो गया होगा। सर, हम आपकी क्लास में कल नहीं आएंगे। मेरी क्लास में कल कल ही नहीं मेरी क्लास। हाँ, इसीलिए नहीं आएंगे। कल बोर्ड में भी मत जाना। कल बोर्ड नहीं में भी नहीं बताना, ऐसा करना नहीं 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 आएगा ना। अरे पहले नहीं से बोल दूं आऊंगा, मैं मैम को कि एब्सेंट भेज दे, तेरे घर नहीं पहले नहीं ही फोन आऊंगा। करते हैं। आए ओम फिर मत आना तुम, पहले छुट्टी मिल जाएगी ना। अरे भाई जल्दी से ओपन होना भाई, क्या है? अरे मैग्नेटिज्म मॉड्यूल में से ही पढ़ना है। मैग्नेटिज्म वाला आ रहे हैं यार, वो जो जो मैंने बोला है ना कि भाई ये पढ़ना है पढ़ना है, वो पढ़ना ही है यार, वो है वो तो ना, वो पढ़ना ही है बस। वो रटना पढ़ना नहीं रटना है सर। वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं भी पता? डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ पता था मैं, तो हाँ क्या सर, तो आप करें। हमें ये बता सकते हो कि ये अभी अभी कैपेसिटेंस चालू होगा कि वो डिस्कशन खत्म होगा? डिस्कशन वो एक एडवांस वाले का ना, अब तो नहीं, मेंस वाले भी मेंस बाकी है भाई। वाले भी थोड़े बाकी रह गए थे। ओके 15 सर, तो कहाँ से करना था अपने को, ये फिर तो बताओ। वो पार्ट टू की बैचलर बात करनी थी। हम पार्ट टू कर रहे थे और पार्ट वन तो बाकी था। पार्ट टू कर रहे थे हम, पार्ट वन तो बाकी था, और पार्ट टू में हम क्या 26 तक तो बता दिए थे हमने, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप बाकी थे क्या? अरे सर एक्सरसाइज 3 कर रहे थे हम। एक्सरसाइज थ्री कर रहे थे ये उसके यार। अरे रे रे, हाँ पार्ट टू की बात कर रहा हूँ ना सर मैं। एक्सरसाइज थ्री का पार्ट टू यही था। हाँ चलो बताओ, एक्सरसाइज थ्री का पार्ट टू बताओ क्या बोलता है और क्या है डाउट। आपने वो कैलकुलेट करवाया था 10.04 वोल्ट, वो फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला करवा दिया था। चलो लास्ट। अब उसके बाद सर आगे बताओ, उसके बाद बताओ क्या। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है यार। यार पहले फिर आगे फिर जल्दी जल्दी करते जाएंगे, ताकि तुमने किए नहीं किए। 15 15 किए ना सर, पहले आगे बोल। 15 ही हुए थे सर। अभी कौन सा करवा रहा, बोलो ना, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया। एक्सरसाइज, अरे अबे तो यार कौन से एक्सरसाइज कर रहा? कल जो लास्ट जो जहाँ से वहीं से रिज्यूम किया है, कल कौन सा कर रहे थे अपन? वो याद नहीं तो फिर याद करो, पहले चल तुम करते तो हो नहीं क्वेश्चन, फिर बोलते हो याद नहीं है। नहीं सर किए डाउट छुपा तब। देते हैं, चलो आप ही सबको तो अरे बेटा जल्दी जल्दी डाउट बोलो। एक्सरसाइज थ्री कर रहे हैं, पार्ट सेकंड कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलो डाउट। 14, 14 16 17 16 16 17। तो मैं बताऊंगा सर, 18 अरे हाँ जो भी है तुम जल्दी बोलो, पर पहले 18 18 22 बस। 22 और बस बस 11 11 तो सबसे पहले 11 11 की बात कर बस। लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? किरचॉफ सेकंड लॉ रिप्रेजेंट एनर्जी कंजर्वेशन। सही है इसके बाद वेट सही इज है कॉन्सिडर्ड मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द फोर रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम सही ऑर्डर है ऑफ द मैग्नीट्यूड। इन द बैलेंस वेट इज कॉन्सिडर्ड इफ द सेल एंड द गैल्वेनेट आर एक्सचेंज द नल पॉइंट इज डिस्टर्ब। गलत बात, नल पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होता है, तो सी गलत है ना फिर। हाँ सर, सेकंड सही है, हाँ सी गलत है। ओके
14 potentiometer experiment. It is found that the no current passes through the galvanometer when the terminals of the cell are connected across the 52 centimeter of the potentiometer wire. If the cell is shunted 5 ohm, balance is found to be cell is connected across the 40 centimeter. Find the internal resistance. अब क्या बोला है? देखो, internal ऊपर वाले circuit का है ना कोई use नहीं है. ऊपर वाले circuit का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ऐसे. ये cell उसका internal. समझ आ गई बात ये? एक सेकंड रुक जा. 52 if the cell is shunted by the resistance. ये इसका इंटरनल पहले कितनी कितने पे 52 पे है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या x into 52 equal to e ये वाला e e1 लिख सकता हूँ ना पहले वाले के लिए दूसरे वाले में क्या किया है इसको शंट किया है इसको शंट किया है yes. ना इसको शंट किया है कितने से 5 ओम से अगर 5 ओम से शंट करेगा तो इसमें करंट फ्लो होगा करंट कितना फ्लो होगा इसमें I इक्वल टू E1 बाई 5 होगा ना अरे होगा क्यों नहीं होगा यस सर एक सेकेंड इसमें ना वो जरूर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस तो पता करना उसको तो मैंने बाहर ही रख दिया ऐसे 5 ओम से I इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस R होगा कि नहीं होगा अब इस पे पोटेंशियल निकाल लो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे मैं मान लू डायरेक्टली नीचे AB तो VAB कितना हो जाएगा VAB कितना हो जाएगा 5 इंटू करंट अरे होगा कि नहीं होगा होगा अब ये किसके बराबर होगा ये बराबर होगा अपना कितनी लेंथ पे बैलेंस हुआ है 40 पे 40 एक्स इक्वल टू 5 E1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस आर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा करो फटाफट से मैं कर लेना घर पे कर लेना कर लेते सर अभी आपने बोल दिया जल्दी से करो तो फिर कर लेते हैं का बोल दिया तो हम 52 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस आर डिवाइडेड बाय 5 समझ आ गई बात ये जल्दी से काटा पीटी जल्दी से मल्टीप्लाई करके ये कितना हो जाएगा 8 कुछ ना कुछ 8 पंजे 40 होता है ना 8 और ये नहीं 56 होता है वो तो कटेगा तो नहीं इधर तो ये तो 52 माइनस ऑफ 40 डिवाइडेड बाय 8 1.5 आ रहा है सही है यस सर 1.5 आ गया बस सही है वाह इसके बाद बताओ अभी इस, क्या इसके बाद क्या बताऊं मेरे पास लिखे हुए हैं ना 15 ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस द बैलेंस पॉइंट ऑफ द मीटर बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट बाय द 10 सेंटीमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ दियर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम हाउ मच was the resistance on the left slot before interchanging the resistance? Interchanging okay. The resistance of this is अच्छा ऐसे मान लो कि ये है x, ये x है ये y है और अभी galvanometer में balance point आ गया है तो अभी क्या लिख सकते हो इसमें x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 किलो ओम दे रखा है ना माइनस x तो अभी क्या हो जाएगा अभी हो जाएगा x बाई पी इक्वल टू x बाई पी भी क्यों इसको l मानो ना इसको l मानो तो इसको 100 माइनस l मानो r बाय l इज इक्वल टू 1000 माइनस r तो l डिवाइडेड बाय 100 माइनस l क्या कर दिया सॉरी x by l equal to y divided by 100 minus l एक इक्वेशन तो ये हो गई दूसरी इक्वेशन में इन्होंने इनको इंटरचेंज किया तो इनको इंटरचेंज किया तो ये y हो गया और ये x हो गया आपका ये y हो गया ये x हो गया अब हमारा बैलेंस लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर इधर खिसक गया तो पहले ये l था तो l minus 10 हो गया और ये कितना हो गया 100 minus l minus 10
अरे है कि नहीं है, तो 110 माइनस एल हो जाएगा, ये होगा ना वाई डिवाइडेड बाई एल माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई 110 माइनस एल। दूसरी इक्वेशन ये हो गई है, अभी सॉल्व कर लेंगे तीनों को। अब इसमें से क्या है ना, ऊपर से एक्स वाई निकाल लो, नीचे से एक्स वाई निकाल लो, दोनों को बराबर करवा दो, तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए एल। तो एल पूछे क्या पूछे, हाउ मच वॉज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लॉट। अच्छा एक्स की वैल्यू पूछी इन्होंने, तो एल पता लग जाएगा तो एक्स पता लग ही जाएगा ना, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, एल पता लग जाएगा तो एक्स पता लग जाएगा ना। सेकंड ट्राई कर ले, करो जल्दी से करो, पीले की तरह काम करते हो तुम। बोलो क्या बोलते हो, क्या करने लग गए यार भाई। हाँ लेंथ 55 सेंटीमीटर आ रही है, ये मेरे को पता नहीं कितनी आ रही है, मैंने कैलकुलेट नहीं किए, क्योंकि तुम कैलकुलेट तो तुम कर रहे हो। अरे भाई साहब, गजब कर दिया तुमने, गजब कर दिया। नहीं हुआ क्या सॉल्व ये भाई साहब, एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल, और यहां से मिल जाएगा एक्स फाइव वाई, एक्स फाइव वाई करोगे तो ये हो जाएगा 110 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल माइनस एक्स और वाई को भी बराबर कर दो, एल डिवाइडेड एक्स और वाई चेंज नहीं होंगे दूसरे केस में। दूसरे केस में एक्स और वाई चेंज क्यों होंगे, एक्स और वाई इंटरचेंज किए हैं, चेंज नहीं किए। यार इसको सॉल्व करो ना यार, कि क्या तुम मेड से सॉल्व करवा रहे हो क्वाड्रेटिक भी। हम्म,
55 मैंने बोला तो था, अभी पता नहीं सही है क्या। पक्का 55 आ रहा है? आप एक बार कर लो सर। अरे मेरे को टाइम लग जाएगा ना पुल करने में तो यार, ये तो बहुत बड़ा सा बनवा है ना, कुछ 100 और 110, कुछ कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हो तुम, एकदम नथिंग। L2 L2 चला जाएगा, ये तो सिंपल ही हो गया, बिना क्वाड्रेटिक के हो गया। चलो ये तो मजे आ गए। इधर जाएगा तो 200, 1, 2, 55 आ रहा है, सही है, 55 सेंटीमीटर आ गया इसका। L की वैल्यू को पुट कर लो कहीं पे भी एक जगह, है ना, L की वैल्यू को पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, नहीं इसमें नहीं, ऊपर वाले में पुट कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। X तो पता करना ही है अपने को, X तो पता करना ही है, Y को क्या लिख लो, Y को 1000 - X लिख लो, 100 - L 45, तो ये 45 हो जाएगा, 5 से कट कर लो, 11 और 9, 9x + 11x = 11 × 1000, x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से हमारे पास, ये हो जाएगा 20, 20 का मतलब 10 चला जाएगा और 1 50 × 11 डबल 5, ये आ रहा है क्या? आ रहा है सर, 15 तो करते हो सही में यार, सीरियसली एक भी बच्चा हेल्प नहीं कर रहा है कैलकुलेशन में। हाँ सर सही आ गया, एक पार्ट ने जरूर बताया था आंसर 55 है, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। आगे बताओ, आगे क्या मेरे को बताना है आगे, ये साफ करना पड़ेगा ना मेरे को, ये जल्दी से नोट करो, नोट का कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन खुद करना, ये मैं नहीं बताऊंगा आप कैलकुलेशन पे, सही बात तो ये है। ये हो गया, कौन सा हो गया अपना, 14 हो गया ना, नहीं 14 क्या 15 हो गया, 15 हो गया, अब 16, 16 तो किसने पूछा है, 16 सबने, हाँ सबने, सबने क्यों बोर्ड पता नहीं है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये, रेड, ये ब्लैक, ब्लैक ब्राउन रेड, रेड आता है 30वें नंबर पे, मतलब 30वें नंबर पे कौन सा डिजिट आता है, 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 2 ये आएगा, 2 है ना, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, येलो के बाद क्या आता है, वॉयलेट, वॉयलेट आता है 6, 6 मतलब ये हो जाएगा कितना, 5, ये मैच नहीं कर रहा ना, ऑरेंज येलो वॉयलेट ही आता है ना, बीबी रॉय रेड, नहीं उल्टा गलत हो गया, बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो यहाँ पे आएगा वॉयलेट, एक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑरेंज, 1, 2 ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, ये आता है 4, 4 नंबर पे मतलब 10³, सिल्वर का प्लस माइनस 5%, नहीं 10%, सोना चांदी, चांदी का 10% है, ये हो गया 27 किलो। इनको आपने थियोरी नहीं लिखा इधर, थ्योरी नहीं लिखा इधर, थ्योरी बोर्ड, तो बोर्ड की क्लास में नहीं बैठता पार्थ, मैं तो बैठ रहा था, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये लोग नहीं बैठते ना। अच्छा यार, ये बोर्ड में पढ़ा दिया था, जो मैं सोचा वहां कितने 2-4 लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ना, तुम स्कूल में पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे, कार्बन रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, टेबल याद करनी है और कुछ नहीं है। इसके बाद कौन सा, 16 के बाद 17, रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रिज एबी इन द गिवन फिगर इज द 4 ओम विद अ कॉइल ऑफ द ईएमएफ 0.5 वोल्ट, एंड द रियोस्टेट 2 ओम द नल पॉइंट इज ऑब्टेंड एट द सम पॉइंट जे when the cell is replaced by the another EMF E equal to E2, the same null point J is found to be found for the RH equal to 6 ohm, the E2 is, ये तो हो जाना चाहिए, इसको try करना दोबारा, ये तो हो जाना चाहिए तुमसे,
रियोस्टेट की वैल्यू चेंज करी है, पहले रियोस्टेट की वैल्यू 2 ओम है फिर 6 ओम ले रहा है वो, थोड़ा ट्राई करना एक्स की वैल्यू चेंज होगी इसमें। और ये उल्टा बना रखा है सर्किट, इसका भी ध्यान रखना, नीचे जो बना रखा है वो प्राइमरी सर्किट है इसका, ऊपर जो बना रखा है वो सेकेंडरी सर्किट है, उल्टा सीधा बना दिया इसने। 18 में दिया हुआ है हमें, इन अ मीटर दिस द वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया डेट आर वेरीज डी आर बाई डी एल ऑफ द रेजिस्टेंस आर विद द लेंथ एल इज, ये आपको लेंथ के प्रोपोर्शनलिटी दे रखी है। 2 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर R-R'। द गैल्वेनेटर हैज द जीरो डिफ्लेक्शन व्हेन द जॉकी इज एट द पॉइंट P। व्हाट इज द लेंथ AP? AP की आपसे लेंथ पूछी हुई है, ठीक है, AP लेंथ आपसे पूछा हुआ है, तो आपको ये रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, AP कितना है, यहाँ से आगे वाला कितना है, समझ आ रही बात ये? गुड इवनिंग सर। हाँ, ये आपको लेंथ निकालनी पड़े, वो निकालना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस कितना है AP। कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस AP को? इसने DR by DL दे रखा है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कॉन्स्टेंट लगा लो, और इसने एक चीज और दे रखी, क्या L अपॉन 1 - L, ये लेंथ दे रखी है L अपॉन 1 - L। अच्छा, देखो क्या हुआ है, क्वेश्चन को समझोगे तो ये समझ आ रहा है कि ऊपर रेजिस्टेंस आर डैश है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर डैश है, यहाँ पे मीटर ब्रिज में ये नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, यहाँ पे मान लो ये P रेजिस्टेंस है, ये Q रेजिस्टेंस है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, R' by P equal to R' by Q, है कि नहीं है? ये दोनों कट जाएंगे, इसका मतलब P और R बराबर आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे P और R? अब P और R निकालने के लिए उसने DR by DL दिया है, DR by DL is proportional to proportionality at K लगा लो root L, मतलब कि DR आपको निकालना है K divided by root L into DL। कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, पहले पहले 0 से L तक का निकालना है, इसने ये वाली लेंथ, तो ये 0 से L का निकाल लो, वो क्या मिल जाएगा आपको, P के बराबर मिल जाएगा, P रेजिस्टेंस मिलेगा ना वो, तो कि 1/√L का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2√L, और लिमिट पुट करोगे तो 2√L के बराबर ही मिलेगा, ये तो P मिल गया। इसी तरीके से DR by DL को K√L, इसकी लिमिट पुट करनी है इस बार कहां से कहां तक, इसकी लिमिट कहां से कहां पुट करोगे इस बार, Q निकालने के लिए L से नहीं, 1 माइनस क्या कर रहा हूं, 100 में नहीं, इसने 1 - L दिया हुआ है ना, इसने क्या दिया हुआ है, माइनस L से, L से 1 तक होगा, हाँ। L लेंथ से 1 तक होगा, टोटल 1 है ना, क्योंकि ये यहाँ टोटल 1 है ना, ये अपन यहां से और यहां तक का निकालना चाहते हैं, तो लिमिट क्या होगी L की, L से 1, अरे होगी कि नहीं होगी, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा K, और ये हो जाएगा 2√L, तो 2 तो बाहर ले लिया, रूट एल में पुट करोगे तो रूट 1, यानी 1 - √L, 1 - 1/4 रूट एल, तो ये दोनों बराबर है, P और Q बराबर है, तो कितना हो जाएगा, P और Q बराबर है, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, K से K भी कट जाएगा, 1 मतलब इक्वल टू 2√L, तो L की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 हो गई। क्या पूछा था, बस वही पूछा था, 0.25 मीटर आ जाएगा, और क्या, क्वेश्चन अच्छा है में अच्छा है, मजे वाली बात थी, आपने 16th बता दिया, सब बता दिए 18 तक,
16 सर आपने कैसे बताया? ऐसे ही जैसे सब लेना। गैल्वेनोमीटर हैविंग ए कॉइल रेजिस्टेंस 100 ओम इज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट इज 1 एम्प। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस व्हिच कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये क्यों पूछ रहे यार तुमने, ये क्यों पूछ रहे हो? कौन पूछा है ये 22 में? भारत पार्थ, तेने पूछा है? यस सर। वे पार्थ यार सर, पार्थ बेटा थोड़ा नोट्स पे ध्यान लगा यार, ऐसे क्या कर रहा है? हां सर, तो यार ये तो क्वेश्चन डाउट ही नहीं होना चाहिए। इसने बोला हुआ है कि एमिटर में कन्वर्ट करना है, तो सीरीज रेजिस्टेंस पता करना है तुम्हें, आर की वैल्यू पता करनी है, इसको कितने वोल्ट में कन्वर्ट किया है इसने, 10 वोल्ट का बनाया है इसे, और इसमें करंट कितनी जा रही है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितनी है इसकी, 1 मिली एम्पियर। तो ये डायरेक्टली तो हो गया वी इक्वल टू 100 प्लस आर इंटू, बिल्कुल भी सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हो यार तुम लोग, ऐसे छोटे डाउट पूछते हो तो फिर तो मन खराब हो जाता है, अच्छे डाउट पूछो तो फिर भी बात है। तेरे को बोला ना पार्ट के नोट्स को थोड़ा एक बार ढंग से रिवाइज किया कर। ये देखो मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये इतने छोटे डाउट में फंस रहे हो, इसका मतलब तुमने थोड़ा कमजोर रख दिया चैप्टर। बात ये है खत्म? यस सर, अभी पार्ट वन एडवांस, पार्ट वन पे। सर अमन तन्ना का कनेक्शन इश्यू हो रहा है। बात नहीं, अब क्या करें, रीज्वाइन कर लो पहले, 9-10 मिनट ही बचे हैं, है ना, रीज्वाइन करो एक बार। चलिए बताएं, थर्ड वाला कौन सा सही है कौन सा गलत है? टू वेरीफाई द ओम्स लॉ स्टूडेंट प्रोवाइड विद अ टेस्ट रजिस्टर आरटी आई रजिस्टेंस R1 स्मॉल रजिस्टेंस R2 टू आइडेंटिकल G1 G2 आर वेरिएबल वोल्टेज वी कनेक्ट। मैं ना ये टेस्ट रेजिस्टेंस जो दिया है ना आपने, वो टेस्ट रेजिस्टेंस पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होना चाहिए। टू वेरीफाई ओम्स लॉ, देखो वेरी ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो एमिटर की तरह काम करना चाहिए एक जगह, और एक जगह वोल्टमीटर की तरह काम करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सी वाले में एक जगह वोल्टमीटर बना रखा है और एक बार एमिटर वो बना रखा है क्या? देखो सी वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, जीवन जो है वो किसका काम कर रहा है, वोल्टमीटर का कर रहा है। जीवन किसका काम कर रहा है, आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। बोल क्यों नहीं रहे हो? जीवन किसका काम कर रहा है यहाँ पे, वोल्टमीटर का काम कर रहा है ना, और जी टू काम कर रहा है एमिटर का, एमिटर का। एक और हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट होना चाहिए सीरीज में, और लो रेजिस्टेंस कनेक्ट होना चाहिए शंट में। तो सी और डी में डिफरेंशिएट कर सकते हो, हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा सीरीज में तो वो सही है। इसके बाद बताओ सी और डी, सी और नाइन। गैल्वेनोमीटर गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद द करंट बाय द कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इट टू कन्वर्टेड टू द वोल्टमीटर। इफ कनेक्टेड
टू इट बिकम्स, ये तो मैं ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया क्या, गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन? सर वो वाला थोड़ा पोटेंशियोमीटर, उस पे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें ना मेथड है, इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, मेथड है, तुम मेथड को ही समझ रहे हो। वो जो बोल रहा है उसमें ये बोला हुआ है गैल्वेनोमीटर गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ये क्या है, करंट आई की वैल्यू दे रखी है। बाय कनेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस, इतने रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके ये किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर बनाने के लिए सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ सीरीज, और कितनी रेंज का बनाया उसने, 0 से 30, तो ये रेंज जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू ये होती है इसकी। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कुछ दिया है, नहीं दिया है तो जी मान लो, और इसमें कर कितनी दी हुई है, ये करंट दे रखी है 0.006 एम्पियर। अब इससे तुम जी नहीं निकाल सकते, 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.006 कैपिटल जी प्लस 4990, इससे यहाँ जी की वैल्यू निकाल लो। फिर इसमें बोला हुआ है इफ कनेक्टेड टू द कॉइल डिवाइडेड बाय 249 ओम रेजिस्टेंस इट बिकम्स एन एमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है तो शंट करो इसे, शंट की वैल्यू 2 by कितना दे रखा है, 2.0 कर लो, मैं निकाल देता हूँ 1.5 minus 0.006 मल्टीप्लाई 2 divided by 249, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइडेड बाय दिस, 5 आ रही है। आंसर क्या है, 5 आ रहा है बस, खत्म। इतना सिंपल होता है ये। यस सर, क्वेश्चन नहीं करता है क्या तो बेटा? सर वो आज नहीं किया, बहुत दिनों से देखता हूँ तो डिस्कशन नहीं करता है, डिस्कशन नहीं करता है इसका मतलब क्वेश्चन नहीं करता है। तो क्षितिज मार्मिक सोम चिन्मय किंचुक प्रशांत, तुम लोग क्वेश्चन नहीं करते हो मेरे को ये पता है, क्योंकि डिस्कशन क्वेश्चन करते हो तो डिस्कस करोगे तुम डेफिनेटली, तुम्हारे डाउट पूछोगे तुम, कोई बात नहीं, मैं तो बोल सकता हूँ तुम्हें कि भाई किया करो क्वेश्चन, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है। फिर इसके आगे बताओ, 11th में इसके आगे 11th मैं बताऊं सर? नहीं नहीं, उसमें है ना तेरे को वो सोचना पड़ेगा कि वो कैसे कनेक्ट हुए दोनों, पैरेलल कनेक्ट हुए दोनों ये। हाँ बस वही पैरेलल, पैरेलल है ना, पैरेलल कनेक्ट हो जाए। अरे पैरेलल कनेक्ट हुए, एक अंदर वाली रोड को ऐसे बाहर बना ले वो जो अंदर फेरस की है, और बाकी खोखले वाले पार्ट को बाहर बना ले वो, तो फिर तो बनेगा ना, का हो जाएगा एरिया और लेंथ करना पड़ेगा।
ऐसे ऐसे बन जाएगा, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है ऐसे, तने सीरीज माना होगा तो फिर नहीं होगा तो गलत। और सीरीज का भी एक आंसर उन्होंने दिया है जिससे हम वही सीरीज का भी दिया है क्या? अच्छा, इसके बाद रुको, सब 16 और 17 गैल्वेनोमीटर आ गया वापस। अबे गैल्वेनोमीटर जिंदगी बेटा, गैल्वेनोमीटर देख ज्यादा दुख दे रहा है ना, तो एक बार ढंग से फिर दोबारा पढ़ ले, और जितने भी क्वेश्चन है ना फिर दोबारा कर ले। नहीं मैं सर दुख दे रहा है गैल्वेनोमीटर। हाँ तो दोबारा पढ़ लो एक बार, मैं क्या बोलता हूँ, ढंग से दोबारा पढ़ लो ना यार, और जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, जितने अपन ने डिस्कस किए दोबारा लगा के देख लो। हाँ सर हो गया डिस्कस। इसके बाद डाउट था उसका ही था खत्म, वो दो बता दो बता ही रहे बता कौन सा है, खत्म करते हैं। 16-17 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 50 टर्न्स एंड ईच, ये तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो पढ़ा ही नहीं अपन ने, वो तो चैप्टर 4 में आता है। हाँ ये चैप्टर 4 में आएगा, इसको छोड़ दो, ये यहाँ क्वेश्चन यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये तो वहाँ छोड़ देना। हाँ अभी छोड़ दो, तो दो गया आज का डिस्कशन खत्म। सर हाँ हाँ बोल ना आप, मुझे लगा मेरा नेट फिर से गया। ये हो गया ना अपना तो एक्सरसाइज 3 का, तो अब बचता है एक्सरसाइज 2 का सब्जेक्टिव, वही बचा ना बस अब तो। सर प्राण दे लेगा, प्राण दे लेगा हमारे, अब तुम जो जो डाउट पूछते जाओगे मैं बताता जाऊंगा ना, अब तुम्हारे ऊपर है एक्सरसाइज 2 का पार्ट सेकंड। अभी करना है, अभी करके आया तो मैं तो बता दूंगा डाउट। सर ऐसे रैंडम पूछे अगर ना किए हो तो? नहीं रैंडम नहीं, ऐसे थोड़ी ना रैंडम पूछे, जब करवा रहे हो तो अभी पूछ लेते एक दो ऐसे। फिर अच्छे हैं करना ये क्वेश्चन, अच्छे लग रहे हैं, दिख तो अच्छे रहे बाकी पता नहीं। पार्ट टू हर एक चीज का मंडे से चैप्टर 2 वो कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा। सर आप जल्दी छोड़ रहे हैं? हाँ ओके सर, मंडे से कैपेसिटेंस, मंडे से कैपेसिटेंस स्टार्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट तुम कंप्लीट करो, मैं डिस्कशन सर सर मेरा वो डाउट बता दोगे, वो मछली वाला मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, अब करना मछली वाला हो जाएगा देर से। अरे सर उस पे पानी दिया था और वो पता नहीं नहीं हो रहा था, दोबारा करना, कुछ नहीं है पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो, सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरे मछली तेरी तो मछली साले को सर, अभी आपको तुमने तकलीफ ना हो इसलिए मैसेज करता हूँ आपको। कहाँ है मछली है तो मेरे को मिलेगी नहीं, तो भेज दोबारा मेरे को। भेज दी मैंने, मतलब वो फुल स्टॉप भेजा आप। फोटो डिलीट नहीं है, इसमें क्या दिया हुआ है? जनरेट द करंट विद द बायोलॉजिकल सेल कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेक, जो भी है ये तो छोड़ी, इसके बॉडी के अलोंग 5000 ये ना ये सेल है, सेल है ना, एज ए ईएमएफ ऑफ द 0.15 एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखे हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, 5000 सेल पर रो है ये, एक रो में कितने 5000 है ऐसे, और ऐसे कितनी रो है टोटल 100 रो, ठीक है, और ये नीचे क्या दे रखा है 12 वोल्ट, और ये करके ये मेरे हिसाब से डायग्राम में कुछ ये गड़बड़ कर दिया, 12 वोल्ट क्या ये, वही नहीं समझ आ रहा है, नीचे भी है थोड़ा देख, अरे 12 डायग्राम। इसने क्या पूछा था, पूछा क्या, द वाटर सराउंडिंग द
इतना देखो एम्स में पूछ लिया था। अरे देखना मैं बताऊँ क्या है, 5000 से लेख में तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सीरीज का, 0.15 × 5000 और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा एक सीरीज का, 0.25 × 5000। अब ऐसे ऐसे जो सेल है वो कितनी कितनी लो कनेक्टेड है, सो तो ई इक्विवेलेंट तो इतना ही होगा, ई इक्विवेलेंट तो इतना ही होगा, पैरेलल में अगर इक्वल वैल्यू के कनेक्ट होते हैं तो उतना ही आ जाता है, और आर इक्विवेलेंट जरूर चेंज हो जाएगा, 0.25 × 5000 / 100 क्योंकि टोटल रो है वो 100 है। अब ये कितना हो जाएगा, 125 और एक जीरो और दो, मतलब ये 12.5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 15 × 5 कितना होता है, 75 ये पिक्चर नहीं 75 750, तो 3 जीरो और लगाएगा तो 3 जीरो लगाएगा तो 750 वोल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ सर, अब पूरा सर्किट ये बन गया है, एक बैटरी एक रजिस्टर और नीचे 500 ओम, 500 ओम, ये 12.5 ओम, ये 750 वोल्ट। अब निकाल इसकी करंट कितना हो जाएगा, 750 / 512.5 कर, इसका डिवाइड कितना आ रहा है मैं करूं, 750 / 1.46 मतलब 1.5। ओके सर हो गया, सर वो नीचे 12 वोल्ट था ना तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये एक्स्ट्रा क्या है, वो गलत, वो मतलब वो गलत लिख दिया है, वो खाली वो 100 रोज दिखा रहा है, 12 प्रिंटिंग एरर होगा। हाँ वो प्रिंटिंग एरर हो गई होगी। हाँ सर हो गया अभी ठीक है सर। हाँ मेरे कैसे मिलने वाला है पता नहीं यार, कुछ अभी डिस्कशन हुआ नहीं है वाला, पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा सर। तो अगर आपको सर पंकज सर पूछे कि देना है तो आप फेवर में हो वेकेशन के? हाँ मैं बोलूंगा कि 2-5 दिन का दे देते हैं सर, 2-5 मतलब सात ना, कम से कम एक वीक का दे दो ना, वो 11th एक वीक के बाद कोई वेकेशन मिला ही नहीं हमको। वही सर, वो भी दो दिन का, मैं सिंपल बताऊं तो मैं एक वीक का मतलब तुम्हारे 2 वीक खराब होंगे। नहीं सर हम नहीं होंगे, होंगे कंफर्म होंगे, एक वीक तुम पढ़ोगे नहीं तो एक वीक का वापस कवर अप करने में तुम्हें 1 वीक और लग जाएगा बाद में। तुम चाहते हो कि तुम्हारे 2 वीक खराब हो, इतने अच्छी पढ़ाई चल रही है उसमें तो ले ओ, कोई दिक्कत नहीं है वेकेशन, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 दिन बाद जब तुम आओगे ना तो एकदम तुम्हारा माइंड एकदम वो हो जाएगा क्लीन, अता पता भी नहीं रहेगा तुम्हें कि क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा था। सर रिवाइज करेंगे सर 12th, इसमें पीने की बात है, पीने की बात है, वो वेकेशन मतलब वेकेशन ही होता है फिर। अरे नहीं नहीं सर पक्का करेंगे, तेरा तो मैं समझ गया, तेरी तो क्लास क्लास लगा लेंगे, वेकेशन देंगे तो इनको है ना, तेरी और पीयूष की क्लास लगा लेंगे दोनों की, ताकि और भी जिसको आना होगा का भी कवर हो जाए। चलो मिलते हैं फिर मंडे को, अब मंडे से कैपेसिटर अच्छे से करेंगे दोबारा, समझ आ गई बाजी? वो अभी कल की मतलब मंडे की क्लस्टर टेस्ट कैसे इजी बनाई, हार्ड क्या टेस्ट? देखो टेस्ट इजी है, पढ़ के आओगे तो मतलब लगेगा, नहीं पढ़ के आओगे तो फिर तो पॉपट होएगा इसी। सर इस बार तो मेरे को फुल आएंगे, आप लिख के रखो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना फिर, अच्छे से लिखना। हाँ हाँ सर, 4 और 3 का वेटेज ज्यादा होगा ना सर, 1 और 2 से? 4 का ज्यादा है वो तो पढ़ ले, 4 का मैं बताऊं 11 एमसीक्यू तो 4 में से दिए मैंने। अरे सर एमसीक्यू में मार्क्स ज्यादा, थ्योरी में तो मेरे आ जाते हैं अच्छे मार्क्स, और थ्योरी में भी जो 5-5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 1-5 नंबर का दिया है, 1-3 नंबर का दिया है, ऐसे 4 का वेटेज ज्यादा है। तो मैं क्या करूं अभी, जितना है उतना, तो जितना है उतना कर लेना ना, उसमें कोई टेंशन नहीं है, जितना है उतना कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है।
बट अब अगले चैप्टर से, अब मंडे से तू एकदम रेगुलर और टाइम टू टाइम कैपेसिटर से, ठीक है? तेरा करंट में कहाँ से बाकी रहा था ये, मतलब कहाँ से छूटा है? मतलब वैसे रिकॉर्डिंग मैंने फटाफट ऐसे नोट्स के लिए देख लिया है, समझा नहीं है कुछ। नहीं क्योंकि अभी मेरे को है ना उसमें वो केसीएल केवीएल हो गया था क्या तू था जब? हाँ सर वो हो गया। लूप वूप लगाना सिखा दिया था मैंने ढंग से, क्वेश्चन करवा दिए थे उसके? हाँ तो हो गया था। तो फिर ठीक है, फिर तो उस इतना तो काम आएगा उसमें, लूप वूप लगाना आएगा इसमें कैपेसिटेंस। हाँ कैपेसिटेंस में ओके, तो वो इधर का जो है वो उधर ही वापस वही काम आएगा, इसलिए ये पहले पढ़ाया, इसलिए पहले पढ़ाया ताकि अब दिक्कत नहीं आएगी लूप लगाने में। चलिए मिलते हैं मंडे को, बाय बाय। हेलो सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय 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 बाय, थैंक यू सर।